फ्रेंड्स मैं आपके लिए नई वीडियो के साथ सच का। तो फ्रेंड्स आपको तुमने लाइन कटे पर का भी पता लग गया होगा कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स आज मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि यूट्यूब पैसों का पेड़ है। यूट्यूब पैसों का पेड़ है। यूट्यूब पैसों का पेड़ कैसा, यूट्यूब कैसा बना, किसने बनाया, तो फिर मैं आपको यही आज बताने वाला हूँ किसके लिए बना था, क्यों बना था, किसके लिए क्यों, इसका रीज़न क्या है। आज मोटिवेशनल वीडियो होने वाली, इसका रीज़न क्या। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न है क्या। मैं आपको ये बताऊंगा इसका रीज़न बनने का है क्या, और ये बने क्यों, किसके लिए बनी, ये अभी पैसों का पेड़ बन कैसे चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताने वाला उस वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर ना, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स पहले हम बात कर रहे थे यूट्यूब पैसों का पेड़ कैसे है। वैसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ शुरुआत, यूट्यूब बनाया किसने। तो फ्रेंड्स यूट्यूब बनाया तीन फ्रेंड्स थे, उन्होंने, तीन दोस्तों ने आपस में मिलकर इस यूट्यूब को बनाया। तभी कैसे, वो बहुत ही सालों पहले की बात है फ्रेंड्स। तब क्या होता था, जैसे कि फेसबुक, ऐसे कि यहाँ पर फेसबुक वगैरह कुछ नहीं होता था, यूट्यूब कुछ नहीं होता था, इस पर सोशल मीडिया कुछ नहीं होती थी, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो अपलोड होती थी बाकी सोशल मीडिया पर, क्योंकि उस पर होती थी शॉर्ट वीडियो। और ये तीनों दोस्तों में से एक फ्रेंड का था बर्थडे, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और एक वीडियो शूट कर ली हैप्पी बर्थडे की, अपने बर्थडे की वीडियो कर ली उसने शूट। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, उसने करने शूट, तीनों दोस्तों ने सोचा क्या हम यहाँ पर वीडियो सभी जगह पे आती है, सभी जगह हम कैसे डालें जहाँ पर हमारी सारी की सारी वीडियो अपलोड हो, बिल्कुल भी ना कट जाए। तो फ्रेंड्स वहाँ पर पहले क्या होता था, 10-20 सेकंड की वीडियो अपलोड हो जाती थी दूसरे सोशल मीडिया में। तो फ्रेंड्स उन्होंने सोचा ये यूट्यूब बना कैसे और क्यों बना, क्या रीज़न है, वो तो गाइस मैंने बता दी। इन्होंने बनाया तीन फ्रेंड्स ने, उसके बाद कैसे रीज़न क्या बनने का। फ्रेंड्स वहाँ पर तभी होता नहीं था, तभी और यूट्यूब जैसी कोई भी सोशल मीडिया होती नहीं थी जिस पर हम वीडियो अपलोड करके लंबी देख सके और हमारे करेक्टर्स आ चुके। तो फ्रेंड्स रीज़न ये है कि उसने हैप्पी बर्थडे की वीडियो अपलोड की, ये यूट्यूब बना एक मजाक में, ये एक यूट्यूब हम जिस पर अभी हम ये वीडियो अपलोड करके व्यूज सब्सक्राइबर आ गए कि हम पैसे कमाते हैं, ये वाला यूट्यूब बना एक मजाक में, ये उन्होंने मजाक में बनाया यूट्यूब और उस पर अपनी वीडियो अपलोड की। उस पर गाइस फिर आए लोग, वहाँ पर ऑडियंस आनी शुरू हो गई, उनकी वीडियो पर ऑडियंस आई, ऑडियंस ने लाइक्स किए, सब्सक्राइब किए, ऐसे उन्होंने भी चैनल बनाया, यूट्यूब बनाकर चैनल बनाया, उसने वीडियो तो अपलोड कर दी उसी यूट्यूब पर, फिर वो हो गया यूट्यूब वायरल। यूट्यूब अभी भी वायरल हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए अभी हम अभी यूट्यूब बहुत ही वायरल हो रहा है, अभी बहुत ही वायरल सोशल मीडिया में चल रहा है हमारा ये यूट्यूब। तो फ्रेंड्स अभी बहुत ही ऑडियंस आ चुकी है, करेक्टर्स आ चुके हैं इसका वीडियो अपलोड करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, बहुत ही करेक्टर्स आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स फिर क्या होने लगा, उन्होंने जब वीडियो अपलोड की, उन्होंने अभी आता है बात आती है कि बाकी जो बड़ा बड़ा करेक्टर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो पैसा कैसे कमा लेते हैं, इस यूट्यूब से पैसा कमा कैसे लेते हैं। वो फ्रेंड्स करते हैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के बाद कैसे क्या होता है, अभी पता नहीं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, वो दो तीनों फ्रेंड्स यूट्यूब पर हम वीडियो अपलोड करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर मान लिया, उनको व्यूज सब्सक्राइब लाइक्स आते हैं, बस ये नहीं कि उनको व्यूज आ गए, ये आ गए उनको कुछ नहीं मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो पैसा कमाते हैं। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हो चुके हैं, ये पैसा बहुत ही कमाते हैं, इसे यूट्यूब से कैसे कमाते हैं, क्यों यूट्यूब देने लग गया पैसा, उन्होंने सोचा कि हमारा यूट्यूब वायरल होगा उसमें हम पैसे देंगे, 55% वो देने लगे करेक्टर्स को, जो बनाते थे वीडियो उनको 55% देने लगे और 45% आप पैसा लेते हैं उनको, क्योंकि उनकी बहुत ही मेहनत लगती है इसे यूट्यूब बनाने में, उनकी बहुत ही मेहनत लगी है, हम तो सोचेंगे कि ये वैसे ही बन गया, ऐसे ही बन गया, अभी ये कुछ नहीं है, ये वैसे ही बना,
तो फ्रेंड्स ऐसी कुछ बात नहीं है, इस यूट्यूब को बनाने में बहुत ही उनकी मेहनत लगी है, फ्रेंड्स उनका भी हक बनता थोड़े बहुत पैसे लेना। तो फ्रेंड्स इसलिए वो 45% आपको रखते हैं तीनों दोस्त, उसके बाद गाइस 45% वो रखते हैं, फिर 55% हमें देते क्योंकि एड्स ला रखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उनको मशहूर करने के लिए वो अपनी वो कहते हैं कि मुझसे इतने पैसे ले लो और मेरे इस वीडियो पर एड लगा दो, फिर वो अपने सीमेंट ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो अपनी चीज़ को मशहूर करने के लिए एड्स लगाते हैं। वो एड्स पैसे एड्स जब लगा देती है यूट्यूब को, पैसे यूट्यूब लेती है उसे, पैसे लेकर 55% हमें दे देती है, 45% आप लेती है। उसके बगैर ऐसे हम कमा सकते हैं यूट्यूब पर पैसा, तो ऐसे ही बना ये पे यूट्यूब हो चुका है पैसों का पेड़। तो गाइस अभी जैसे कि आप लॉकडाउन चल रहा है आपको पता होगा कि अभी बहुत ही ऑडियंस आ रही है, और अभी तो जैसे आप सोच ही लीजिएगा बहुत ही छुट्टी, अभी छुट्टी हो रही है, सभी घर पर बैठते हैं आराम से यूट्यूब चलाते हैं, उस पर नए नए यूट्यूबर्स को सब्सक्राइबर करते हैं और लाइक्स वगैरह करते हैं। ऐसे गाइस 100% में 50 लोग ऐसे है कि कई लोग तो जैसे कि वो सोचते हैं कि इसका नया चैनल है, इसको कुछ नहीं, इस बंदे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो सब्सक्राइबर नहीं करते, तो कई कर देते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सभी ऐसे होता है, कई कई होता है क्योंकि वो सोचते हैं इसमें ये नहीं, मैं बोलता कि आप ही हो ऐसे, गाइस आप बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि इस बंदे में स्ट्रांगता है, इस बंदे में नॉलेज है कि हम तभी इसको सब्सक्राइब करें, हमने इसको सब्सक्राइब कर दिया, इसका सब्सक्राइब हो गया, इसकी मतलब की वीडियो लिया। तो गाइस ऐसे होता है कई बार, ये बिल्कुल भी नहीं होता, गाइस ये नहीं कि होता ही नहीं है, गाइस ये होता जरूर है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं अपना रीज़न बताऊँगा मैं क्यों इसे यूट्यूब पर लगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो कि मुझे लगभग 3 महीने हो गया इस यूट्यूब चैनल पर, मुझे गाइस आप सोच भी नहीं सकते इतनी नॉलेज नहीं थी यूट्यूब चैनल बनता कैसे है। फ्रेंड्स मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी यूट्यूब चैनल बनता कैसे, मुझे फिर क्या हुआ एक पहले मैं छुट्टी करके जैसे कि लॉकडाउन था मैं घर पर बैठ के वैसे फोन पे चलाता था, कभी गेम्स, कभी इसकी वीडियो को लाइक कर देता था, कभी कुछ कर देता था, मैं सोचता था कि इनको मिलता क्या। उसके बाद मैंने सोचा कि यह छोड़ो इनको मिलता हो या ना मिलता हो, मुझे तो ये जैसे कि गाने सुन लेता था, गेम्स खेल लेता था, गेमिंग वीडियो देख लेता था, उसके बगैर मैं तो देख के लाइक वगैरह करके चला जाता था। उसके बगैर मुझे एक दो हफ्ते के बाद मेरे भाई ने मुझको बताया कि मुझसे बड़ा है वो भाई, उसने मुझे बताया कि ये तू, मैंने उसको पूछा, वो भी यूट्यूब पर कहानी अपलोड करता था बच्चों की कहानी अपलोड करता था, मैंने उसको पूछा तू कैसे अपलोड करता, मुझे भी पता इससे कुछ मिलता, उसने मुझे बताया कि इससे पैसे आते हैं जब 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे कंप्लीट होते हैं। तो मैंने बोला ये कैसे आएंगे, मैं हर एक एक सवाल आप सोच भी नहीं सकते, एक एक इतने सवाल पूछकर मैं उसको उससे पूछता था, वो भी मुझसे तंग आ जाता था कि वो बोलता था कि अभी तेरा चैनल तो मैंने बना दिया, अभी तू खुद कर अपने काम खुद कर, मैं थोड़ी ना बार बार दोबारा करूँगा, ये अभी मैं थोड़ी ना तुम्हारा बार बार करता रहूँगा, तू करवाता रहेगा, मैं तुम्हें बताऊँगी, मैं अपना छोड़ ही दूँ, बस वो ऐसे का था उसका दिमाग। और उसने बोला कि उसने ऐसे वो बोलता था कि अभी तू भी थोड़ी सी नॉलेज ले, ये नहीं कि वो बताता ही नहीं था, वो बताता था, वो कहता था कि अपनी नॉलेज ले, वो तभी मुझे बोलता था, पहले मुझे इतना नहीं पता था कि थंबनेल क्या होता, थंबनेल कैसे लगता है, कैसे बनता है, कौन सी एप्लीकेशन से बनता है, मैं ऐसे ही अपलोड कर देता था। उसके बगैर तो उसने बताया कि मुझे थंबनेल से लगा अपनी वीडियो पर अच्छी लगेगी तभी व्यूज आएंगे। तो बस मैंने अपनी थंबनेल से लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, बस उसके बाद पता चला, उसके बाद मैंने सोचा कि वैसे ही है थंबनेल लगाने से सच्ची में कोई आ जाते हैं व्यू, मैं यही सोचने लग गया। उसके बगैर मैंने एक दो बारी सीखा, मैं अभी गाइस बोलूंगा मैं किससे सीखा, उसका नाम लेने जा रहा हूँ, मैंने किसका सीखा, किससे सीखा, किस करेक्टर से सीखा, किस
ऐसे यूट्यूबर से सीखा है। तो फ्रेंड्स मैंने थंबनेल बनाना मनोज दे भाई से सीखा, वो भी बहुत ही अच्छे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं उनके, मनोज दे भाई के। तो गाइस अभी मैं ये आपको बताऊँ अपने भाई का नाम जिसने मुझे ये चैनल बनाने का बोला और बनाकर दिया, मुझे मेरी इतनी हेल्प की। उसका नाम है जतिंदर सिंह, उसका नाम है जतिंदर सिंह, मुझे इसने बताया। मैं उनका बहुत ही थैंक्स करना चाहता हूँ, बहुत ही वेरी थैंक्स करना चाहता हूँ कि अभी वो मेरी वीडियो को देख रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे इतने इस राह तक पहुँचा दिया। तो अभी गाइस मैं आपके लिए नई वीडियो ऐसे लाता रहूँगा, मैंने सोचा कि आपका अपना भी थोड़ा आपको एक्सपीरियंस दे दूँ, मैं क्यों बना, किसने मुझे बनाया। तो गाइस सुन लीजिएगा, जतिंदर सिंह भाई ने मुझे बनाया, इनमें बहुत ही दिमाग है कि इन्होंने मुझे बनाया, तभी मुझे पता लगा कि मुझे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं पता था, इन्होंने मुझे बता कर यहाँ पर आ गया। तो गाइस अभी से चैनल को कर दी सब्सक्राइब, वीडियो को कर दी लाइक। तो गाइस हमारी यहाँ थी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।